देखने से ही लग रही है ना एकदम डिलीशियस, मुंह में पानी ला देने वाली। त्योहारों पर खाने का नाम आते ही हमें वही गर्मा गर्म पूड़ी और वो चटपटी मजेदार हलवाई स्टाइल आलू की सब्जी याद आती है। लेकिन वो जो हलवाई वाली, भंडारे वाली और शादियों वाली आलू की सब्जी होती है, उसका आप एक चम्मच खाते हैं तो एकदम अलग खुशबू, अलग टेस्ट पता चलता है। आज की एक सब्जी की खास बात यह है कि इसको आज हम बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे। सारे सीक्रेट बताऊंगी हलवाई वाली सब्जियों के, किस तरह से वो खुशबू आती है। आज की आलू की सब्जी से आपका दिल खुश हो जाएगा और पूड़ियों के साथ तो मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की आलू की बहुत ही स्पेशल सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल, कोई भी तेल यहाँ ले लीजिए। अब साथ में यहाँ पर हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी। आप करके देखिएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ, और टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि घी बस एक चम्मच ही डालना है। चाहे तो वैसे आप पूरी तरह से तेल में भी बना सकते हैं या घी में भी बना सकते हैं, एक बार जैसे मैं बता रही हूँ ना आप वैसे बना के देखिएगा पूरे विश्वास के साथ, फिर आप टेस्ट देखिएगा क्या आता है। और तेल के गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम को यहाँ पर लो मीडियम रखिए जिससे कोई भी चीज जले नहीं। अब नेक्स्ट जो चीज इसमें जाने वाली है वो है सिर्फ इतनी सी, आधा छोटी चम्मच सौंफ। फ्लेवर देखिएगा क्या मस्त आएगा। अब भाई बिल्कुल हलवाई वाली आलू की सब्जी बना रहे हैं, रोजमर्रा वाली तो है नहीं, पूड़ी के साथ जो खाई जाती है स्पेशल, तो मैं डाल रही हूँ एक टुकड़ा दालचीनी का, दो लौंग डाल देंगे, खुशबू बहुत बढ़िया आएगी, और साथ में जाएगा दो तेज पत्ता। और बहुत ही बढ़िया टेस्ट के लिए यहाँ पर हम जरूर डालेंगे एक बड़ा चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया। यही सब चीजें होती हैं जो आलू की सब्जी को फिर वो हलवाई वाली आलू की सब्जी बनाती हैं। साथ में डाल देंगे दो सूखी लाल मिर्च, साथ ही जाएगा एक चौथाई छोटी चम्मच मेथी दाना। बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे वरना कड़वाहट पे आ जाएगी, थोड़ा सा डलता है। और ये जो चीज हमने डाली है, ये सारी चीजें मिलकर जो फ्लेवर निकालेंगी ना आलू की सब्जी में, एकदम मजेदार। हल्का सा इस तरह से भून लेंगे और इसी स्टेज पर अब वो जाएगी मेन चीज जो हलवाई जरूर डालते हैं। इसी स्टेज पर अब हम डालेंगे हलवाई की वो मेन चीज जो आपने देखा होगा कि एकदम बढ़िया से डाली जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हलवाई बड़ी सी प्लेट में खूब सारा अदरक और हरी मिर्च भर कर डालते हैं जब वो एकदम भंडारे स्टाइल या हलवाई स्टाइल शादियों वाली सब्जी बनती है। तो यहाँ पर जो अदरक आपको लेना है बढ़िया से लेना है। यही वो तीन गेम चेंजर चीज है जो बिना प्याज लहसुन की सब्जी को जबरदस्त टेस्ट देती है। अदरक यहाँ पर मैंने पूरा एक बड़ा चम्मच भर कर लिया है ग्रेटेड, और दो हरी मिर्च मैंने बारीक काट ली है, आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और एक चौथाई छोटे चम्मच लिए हींग। इसी स्टेज पर हम सब चीजें डाल देंगे, और इसी स्टेज पर जब अदरक हल्का सा हमारा भुन जाएगा हम यहाँ डालेंगे दो छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अच्छे से करेंगे मिक्स। सबसे जरूरी चीज कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर इसी स्टेज पर डालें। यहाँ पर डालने से जो कलर आता है, वो जो हलवाई स्टाइल सब्जी होती है हल्की लाल और पीलेपन पर होती है, उसका रीजन होता है इस तरह से लाल मिर्ची पाउडर को पहले तेल के साथ भून लेना। और यहीं पर अब हम डालेंगे तीन मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पर मोटे मोटे कद्दूकस कर लिए हैं, और उनकी जो ऊपर की स्किन होती है ना टमाटर की, वो मैंने हटा दी। अब भाई देसी सब्जी बना रहे तो देसी स्टाइल से बनाएंगे। आप चाहे तो दरदरासा यानी कोर्स मोटा सा आप मिक्सी में पल्स पर भी टमाटर को पीस सकते हैं। इस तरह टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है वो आलू की सब्जी में, पूड़ी वाली आलू की सब्जी होती है ना बिल्कुल वैसा वाला। और यहीं पर इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, और दो मिनट टमाटर को बढ़िया से पकाएंगे। अभी कलर आप देख ही सकते हैं एकदम आ गई ना रौनक, क्योंकि हमने जो लाल मिर्ची पाउडर डाला पहले डाला, उससे उस सब्जी ने रंग पकड़ लिया। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर माइल्ड होती है, ज्यादा मिर्च नहीं होती है, पर कलर अच्छा आ जाता है। अभी जितने भी आने वाले त्योहार है ज्यादातर उन पर हम बिना प्याज लहसुन की चीजें बनाते हैं, जैसे करवा चौथ हो, दिवाली हो, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो जब तक टमाटर भुन रहे हैं फटाफट से एक काम और करते हैं, आप लीजिए एक कटोरी, और कटोरी में लीजिए आधा छोटी चम्मच हल्दी, दो छोटी चम्मच लीजिए धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर। काली मिर्ची पाउडर तो आप पक्का लीजिएगा, आपने देखा होगा ना कि जब एक कस्सा मुंह में जाता है उस हलवाई वाली आलू की सब्जी का, तुरंत बोलते हुए मसाले नजर आते हैं, एकदम टेस्ट पता चलता है, तो वो काली मिर्च की वजह से। आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, और आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर टमाटर के फ्लेवर को बैलेंस भी करता है। अब सारी चीजों को आप कर लीजिए मिक्स। दो बड़ा चम्मच पानी। आप सोच रहे होंगे पारुल क्या कर रही है, मैं बहुत ही सीक्रेट ट्रिक आपको बता रही हूँ। इससे जो मसाले हैं उनका फ्लेवर एकदम बैलेंस रहता है, जलते नहीं है मसाले, और साथ के साथ बहुत अच्छे से भुन जाते हैं जो हलवाई भी करते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं लगभग दो मिनट टमाटर हमारे बढ़िया से पके हैं। इसी वक्त, अभी पूरी तरह पके हुए नहीं है टमाटर, हम इसमें डाल देंगे हमारा मसाले वाला पेस्ट जो भी तैयार किया ना, सारा आप इसमें यहाँ डाल दीजिए।
अब अच्छे से मसाले को टमाटर के साथ बढ़िया से करेंगे मिक्स और सब चीजों को अच्छे से भुनने देंगे जब तक कि टमाटर तेल न रिलीज कर दें। अब यहाँ क्या हुआ कि देशी घी स्वाद देगा और जो तेल हमने डाला वो हमारी आलू करी को रंगत देगा। टमाटर की ना एकदम प्यूरी मत बनाइएगा, ये जो दरदरा टेक्सचर आप देख रहे हैं ना इसी वजह से आया क्योंकि टमाटर हमने कद्दूकस करके लिए या आप उनको दरदरा ही पीसे। और ये देखिए टमाटर एकदम बढ़िया से भुन गया है और मस्त मसालों की खुशबू आ रही है, ये देख रहे हैं इसमें कितना बढ़िया रंगत आई है। ये है वो स्पेशल तरीका। अब जब सब कुछ बढ़िया से भुन जाए तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। यहाँ पर हमें उबले ही आलू चाहिए, कच्चे आलू हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के लगभग 5 उबले हुए आलू लिए हैं। यहाँ पर ना आलू को पहले से नहीं काटेंगे, आप आलू लीजिए हाथ से क्रश कीजिए इस तरह से। तो जो पहला आलू आप ले रहे हैं उसको तो कर दीजिए बढ़िया से क्रश, जो देगा सब्जी के अंदर गाढ़ापन, मतलब मैश हो जाएगा ना एकदम बढ़िया, उसमें रंगत आएगी। अब बाकी सारे आलू हल्का हाथ से फोड़िए, बहुत ज्यादा नहीं मैश करेंगे, हल्का हल्का टुकड़े कि चंक्स उसके दिखने चाहिए सब्जी बनने के बाद। अब यहाँ देखिए यहाँ पर अभी आप पानी बिल्कुल मत डालिए, सबसे पहले हम आलू को हल्के हाथ से करेंगे मसाले के साथ मिक्स और थोड़ा सा 1 मिनट आलू को भी मसाले के साथ भून लेंगे, फिर जो टेस्ट आएगा ना सब्जी में बहुत बढ़िया लगेगा, बिल्कुल भी कच्चापन फील नहीं होगा, एकदम मस्त हमारी सब्जी बनेगी। कुछ बड़े पीसेस हो तो ऐसे आप उसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए। अब ये देख रहे हैं आप ये जो लिपट सी गई, तो ये इसलिए हुआ कि जो पहला आलू था वो हमने क्रश करके एकदम बढ़िया क्रश करके डाला, तो उससे एकदम उसको रंगत मिल गई, टेक्सचर मिल गया। बाकी पीसेस हम मोटे मोटे रखेंगे जिससे कि वो दिखाई दे कि भाई आलू की सब्जी है। तो बस इस स्टेज पर जब 1 मिनट अब आलू को थोड़ा सा भून लें तो अब इसमें हम डालेंगे लगभग 1.5 कप पानी, कितनी पतली कितनी गाढ़ी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। अब इसमें देखिए आलू की सब्जी में पीसेस भी दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा मैश हो गई हो क्योंकि हमने एक आलू ज्यादा मैश करके डाला, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में बनाने से एकदम सही टेस्ट फ्लेवर और टेक्सचर आता है। और यहाँ पर इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, अच्छे से मसल कर डाल देंगे इससे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और मिक्स कर देंगे। ये जो अनइवन से आपको आलू लग रहे हैं ना ये ही इस सब्जी की शान होते हैं। ये हलवाई स्टाइल सब्जी जो पूड़ी के साथ खाई जाती है थोड़े गाढ़ेपन पे ही रहती है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चावल या किसी और चीज के साथ खाने वाले हैं तो आप इसे थोड़ा और पानी डालकर पतला भी रख सकते हैं। अब इस पर हम लगा देते हैं लो मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए लेड और इसे बढ़िया से पकने देंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अपनी आलू की सब्जी का चेक कर लेते हैं। इतनी टेस्टी बनती है ना ये सब्जी इस तरह से, मेरे घर में तो सबको बहुत ही पसंद है और हमारे यहाँ बनती ही रहती है बिना प्याज लहसुन की। और देखिए आप ये देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि आलू घुटे हैं, बिल्कुल बढ़िया पूरे प्रॉपर चंक्स भी आलू के दिखाई दे रहे हैं। बस तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे, फटाफट अपनी गर्मा गर्म आलू की मजेदार चटपटी हलवाई स्टाइल इस सब्जी को करेंगे सर्व। और ये देखिए एकदम बढ़िया सी हमारी आलू की सब्जी है बिल्कुल तैयार, मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स, जरूर बनाइएगा, मुझे पक्का लिखेंगे पारुल बेहतरीन आलू की सब्जी बनी, पूड़ियों के साथ तो खाकर मजा आ जाएगा। फटाफट मुझे प्रिपेयर करें कमेंट्स में बताइए जल्दी से कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी और आपके मुंह में पानी आया या नहीं। तो ये देखिए हमारी बिना प्याज लहसुन की बहुत ही बढ़िया सुपर टेस्टी एकदम डिलीशियस आलू की सब्जी है बिल्कुल तैयार। इसके कलर और टेक्सचर से ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा, सच मानिए इतना बेहतरीन टेस्ट है कि सभी लोग आपसे मांग मांग कर खाएंगे और यही सब्जी आपसे बार बार बनवाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये जबरदस्त वाली रेसिपी, फूली फूली पूरी एकदम कुरकुरी करारी जो लंबे समय तक भी फूली रहे और तेल ना एब्जॉर्ब करें उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। वीडियो को आप कंटिन्यू रखें तो आगे आप पूरी की रेसिपी भी देख सकेंगे। आज मैं आपको ऐसी कुछ सीक्रेट टिप्स बताने जा रही हूं जिससे आपकी पूड़ियां एक ही बार में एक एक पूड़ी फूल फूल कर निकलेगी, लंबे समय तक फूली बनी रहेगी, साथ के साथ सॉफ्ट क्रिस्पी और फ्लफी रहेगी। परफेक्ट फूली फूली फ्लफी पूड़ियां बनाने के लिए यहां मैं ले रही हूं एक बड़ा बर्तन जिसमें आप रोज में अपना आटा गूंथते हैं ना, बस वो ले लीजिए। और अब इसमें हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा, कोई भी मेजरमेंट के लिए कप सेट कर लीजिए उस अनुसार आप सारा मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच इसमें हम डालेंगे मैदा। अब साथ में इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक स्वाद के लिए, 1 छोटी चम्मच चीनी। अब सभी चीजों को अच्छे से करेंगे हम मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा 2 छोटे चम्मच ऑयल, या आप घी भी यूज कर सकते हैं। ये लीजिए मैंने बढ़िया से ऑयल को इस तरह से मसलते हुए आटे में कर लिया है मिक्स।
और अब हम लेंगे आटा गूंथने के लिए पानी, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे सादा पानी नहीं लेना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ बढ़िया गर्म पानी। मैंने पानी को एक बार उबाल लिया, छुरे पर आपको उंगली देर तक आप डिप नहीं कर पाएंगे, ऐसा गर्म हमें बढ़िया पानी चाहिए। तो इसके लिए आप एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें और इसे मिक्स करते जाएं। पहले मैं चम्मच से कर रही हूँ क्योंकि पानी काफी गर्म है। थोड़ा सा डालें और फिर आटे को मिक्स करें, एक साथ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें आटा एकदम सख्त लगाना है, स्टिफ आटा। मतलब ऐसे समझ लीजिए, जितना टफ और स्टिफ आप आटा लगाएंगे उतनी ही फूल फूल कर आपकी पूड़ियां बनेंगी, तेल बिल्कुल अब्सॉर्ब नहीं करेंगी, यानी ऑयल फ्री पूड़ियां तैयार होंगी। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पहले मिक्स कर लें। ये देखिए एकदम टाइट डो, परफेक्ट। अब इस पे डालिए कुछ बूंद ऑयल की, जिससे कि ये ऊपर से सूखे नहीं, और अच्छे से सब तरफ आटे पर ऑयल को कोट कर दीजिए। 15 से 20 मिनट तक आप रेस्ट पर रखिए, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, वरना क्या होगा, अगर आपने ज्यादा देर के लिए आटे को गूंथ कर इसी तरह छोड़ दिया 1 घंटे के लिए, तो आपकी पूड़ियां बाद में ऑयल अब्सॉर्ब कर लेंगी। जरूरी ट्रिक। लगभग 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट। थोड़ा सा डालिए एक दो बूंद ऑयल और एक बार और अच्छे से आटे को हम बढ़िया से मसल लेंगे। ये लीजिए आटा हो गया हमारा परफेक्टली सेट। अब आटे को आप दो भाग में डिवाइड कर लीजिए इस तरह से। अब आप लीजिए चकला और बेलन, और जो भी आटे के हमने दो भाग किए ना, उसका आप एक भाग लें। अब इसका एक लंबा लॉग इस तरह से बनाइए और इस तरह से आप छोटे छोटे पेड़े तोड़ लें। अब आप लीजिए एक लोई और इस तरह से हथेली के बीच में रखकर कस के दबाते हुए एकदम क्रैक फ्री इसकी लोई यानी बॉल तैयार करें। तो लीजिए मैंने इस तरह से लोइयां कर ली हैं तैयार। बहुत ज्यादा फ्लैट भी नहीं करना है, बस मीडियम इस तरह। अब आप थोड़ा सा लीजिए ऑयल हाथ पर और सारी ही लोई पर इस तरह से हल्का हल्का ऑयल आप बस कोट कर दें, जिससे जब आप पूड़ियां बेलेंगे तो वो चिपकेंगी नहीं और जो आपकी ये लोइयां हैं ये ड्राई नहीं होंगी ऊपर से। अब आप गैस पर चढ़ाइए कढ़ाई। कढ़ाई में लीजिए ऑयल या घी और मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से हमें तेल या घी को गर्म करना है। अब आप लीजिए एक लोई और बाकी जितनी है ना, इनको आप एक कपड़े से ढक दीजिए और हल्के हाथ से इस तरह से आप पतली पूरी बेल लें। बहुत ही आसान। आटा अगर आपका परफेक्ट गूंथा हुआ है ना, तो देखिए एक ही बार में ना, तो यहाँ पर आपको कोई आटा मैदा डस्ट करने की जरूरत है, बस हल्का सा ग्रीस कीजिए चकला बेलन, फटाफट फटाफट आप अपनी पूड़ियां बेल सकते हैं। पूड़ी बेलते वक्त ध्यान रखिए एक ही जगह प्रेशर नहीं देना, घुमाते हुए पूड़ी को आपको बेलना है, जिससे कि सब तरफ से ये समान रहे। ये लीजिए तो इस तरह हम सारी ही पूड़ियों को बेल करके तैयार कर लेंगे और एक प्लेट पर रखते जाएंगे, ढक जरूर दीजिएगा। तो सभी पूड़ी हम इसी प्रकार तैयार कर लेंगे पहले। और देखिए ऑयल एकदम बढ़िया गर्म हो गया है, परफेक्ट हीट आ रही है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा ऑयल पूड़ियों के लिए परफेक्ट है कि नहीं, एक छोटा टुकड़ा आप आटे का डालकर देखिए। जैसे ही मैंने डाला इसमें तुरंत ऊपर आ गया ये बबल्स आ रहे हैं, यानी ऑयल बिल्कुल बढ़िया गर्म है। अच्छे गर्म तेल में ही हमें पूड़ी को डालना है, बाद में फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और धीरे धीरे हम अपनी जो पूड़ियां हमने बेलकर रखी हैं उनको तलने के लिए डालेंगे। हल्की सी जैसे ही ऊपर आए करछी लीजिए, साइड से इस तरह प्रेस कीजिए और ये देखिए परफेक्ट फूल गई एक ही बार में। नीचे से इसको भी हम हल्का सा सिकने देंगे और धीरे से कुछ सेकंड्स में पलट देंगे। अगर आपको ताजा ताजा बिल्कुल फ्रेश पूड़ियां खानी है इस तरीके की गोल्डन, तो आप थोड़ी ज्यादा लाल करें, और अगर आपको बनाकर रखनी है तो आप हल्की सेकें। बहुत ही बढ़िया लगती है ऐसे लाल लाल सिकी हुई पूड़ियां ना, मतलब मजा आ जाता है, आलू की सब्जी मिल जाए। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और ये देखिए परफेक्ट, देख रहे हैं क्या मस्त पूड़ी बनी है हमारी, फूली फूली, बिल्कुल ऑयल अब्सॉर्ब नहीं किया है, ये खास बात है। तो सभी को इसी तरह फ्राई करेंगे। मैं अभी आपको एक एक तलकर दिखा रही हूँ, जिससे कि जो लोग बिगनर्स हैं या जिन्हें ज्यादा नहीं आता वो अच्छी तरीके से समझ ले कि हमें किस तरह बनानी है। ये देखिए एक एक पूड़ी फूल रही है ना, बस अब पलट दीजिए। अगर आपको लगे तेल ज्यादा गर्म हो गया है तो फ्लेम को थोड़ा सा लो मीडियम कर दें। मेरे घर में सब लोग बढ़िया गोल्डन पसंद करते हैं, तो मैं ऐसी सेक रही हूँ, अभी मैं आपको हल्की भी सेक कर दिखा देती हूँ। बहुत ही परफेक्ट पूड़ियां आपकी तैयार हो जाएंगी। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। ये देखिए बनी है ना एकदम मस्त, सारी ही पूड़ियां आपकी ऐसे ही बनेंगी फूल फूल कर। और ये लीजिए हमारी सारी फूली फूली फ्लफी क्रिस्पी सॉफ्ट और ऑयल फ्री पूड़ियां हैं बिल्कुल तैयार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें और सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद जय भारत।